एवरीवन, वेलकम टू प्रसन्न स्टडी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। दिस इज अवर डेली करंट अफेयर शो एंड टुडे वी विल डिस्कस द करंट अफेयर ऑफ 26 मई। गाइस, कल के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया था, हिमांशी, राहुल, प्रियंका। सो वेल डन गाइस, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर्स बताए थे। तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, विच कंट्री विल होस्ट द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2020। कौन सी कंट्री बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2020 को होस्ट करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है एंड करेंसी पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पीएम ऑफ स्लोवेनिया? स्लोवेनिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज जैनेट जैनसा। जैनेट जैनसा स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी कैपिटल जुबलीजाना है और करेंसी यूरो है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज सुखबीर सिंह संधु। रायतू भरोसा स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट ने रायतू भरोसा स्कीम को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। रायतू भरोसा स्कीम को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड रायतू बंधु स्कीम को तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज 63rd एंड इट वॉज टॉप्ड बाई द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज़ ऑन फर्स्ट पोजिशन। सो नाउ कम टू द अवर डेली करेंट अफेयर एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीज्ड बाई हाउ मच परसेंट? ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को कितने परसेंट से इंक्रीज किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज 20%। इट वॉज इंक्रीज्ड बाई 20%। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट में इम्पोर्ट ड्यूटी को 20% से इंक्रीज कर दिया है। इसका मेन एम है जो भी लो क्वालिटी चाइनीज इक्विपमेंट है उनके इम्पोर्ट को कम करना और जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उनको ड्राइव करना, मीन्स उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड? सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट मीन्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के मैन्युफैक्चरर में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। पीपीई के प्रोडक्शन में चाइना टॉप पोजिशन पर है वाइल इंडिया इज ऑन सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम टू सोलराइज कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कोणार्क टाउन और कोणार्क सन टेम्पल को सोलराइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है। ये टेम्पल कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन को कम्प्लीटली सोलराइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन एम है कि जो कोणार्क का ऐतिहासिक सन टेम्पल टाउन है उसको सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इज नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं एंड गवर्नर गणेशी लाल हैं। गाइज, हर क्वेश्चन के मैं स्टेट से रिलेटेड उनके सीएम, गवर्नर ये सब बताते हुए चल रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम में ये सब डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आपसे किसी भी स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है या कैपिटल क्या है, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप करंट के साथ साथ स्टैटिक और बैंकिंग को भी साथ में कवर करते हुए चलिए। नेक्स्ट इज, एयरटेल अफ्रीका पार्टनर्ड विथ होम टू सपोर्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाई कोविड-19। कोविड-19 की वजह से जो भी फैमिलीज और चिल्ड्रेन अफेक्ट हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ।
कोविड-19 से अफेक्टेड फैमिलीज़ और चिल्ड्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप किया है। इसका मेन एम रिमोट लर्निंग मीन्स दूरस्थ शिक्षा मीन्स डिस्टेंट लर्निंग है, और मोबाइल कैश के ट्रांसफ़र के थ्रू अपनी फैमिलीज़ के लिए नकद सहायता तक पहुँच को सक्षम करना है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जिससे अराउंड 133 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रेन को बेनिफिट होगा। एयरटेल अफ्रीका के सीईओ रघुनाथ मंडावा हैं और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा एच फोर हैं। यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ का कौन है, और यूनिसेफ से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इग्नूज ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हुम। इग्नू की ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी को किसने लॉन्च किया, एंड द करेक्ट आंसर इज रमेश पोखरियाल निशांक। फेसबुक के लाइव सेशन के थ्रू यूनियन एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक ने इग्नू के ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम हिंदी को लॉन्च किया। यह प्रोग्राम पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव को मजबूत करेगा, और उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इग्नू का जो भी रोल है उसको भी अप्रिसिएट किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन किसको चार्ज किया गया, एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन। 34 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया। वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी को रिप्लेस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलकर WHO को गवर्न करती है, मीन्स शासित करती है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, एंड WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनॉम है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, WHO का हेडक्वार्टर और WHO का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये हर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी रिसेंटली। नाबार्ड ने कितना अमाउंट एक्सटेंड किया है जो भी कोऑपरेटिव बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है उनको एज अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज 20,500 करोड़। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नाबार्ड हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज़ एक्सटेंडेड ₹20,500 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। नाबार्ड ने 20,500 करोड़ एक्सटेंड किया है एज अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। जो भी वेरियस स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ₹15,200 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एक्सटेंड किया है, और रीजनल रूरल बैंक को 5,300 करोड़ एक्सटेंड किया है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूड्स इंडियाज लिपुले कालापानी एंड लिम्पियाधुरा अंडर इट्स टेरिटरी। किस देश ने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत के लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा शामिल हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नए मैप में नेपाल की उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को शो करता है, और इस मैप में जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड द लार्जेस्ट एवर बजट ऑफ ₹5.12 लाख करोड़ इन स्टेट असेंबली रिसेंटली। स्टेट असेंबली में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक का सबसे बड़ा बजट ऑफ ₹5.12 लाख करोड़ का प्रेजेंट किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश।
यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट को प्रेजेंट किया। विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इनिशिएटेड मेजर्स अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस रिसेंटली? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू एजुकेशन तक स्टूडेंट्स के पहुंच को आसान बनाने के लिए समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर मेजर्स मीन्स उपाय इनिशिएट किए हैं? आधिकारिक आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज़ प्रपोज्ड 3 ईयर स्टिंट्स फॉर सिटीजन्स इंक्लूडिंग यूथ प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन एज ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स अंडर टूर ऑफ ड्यूटी? किसने टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर ऑफिसर और अदर रैंक में ज्वाइन करने के लिए यूथ प्रोफेशनल सहित सिटीजन्स को 3 साल के लिए कार्यकाल का प्रस्ताव दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ये नई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। जो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सोनल इन यूनिफॉर्म बनना चाहते हैं, मींस वर्दी में कार्मिक, वो मिलिट्री लाइफ को एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं बट वो अपना फुल कैरियर आर्मी में नहीं बनाना चाहते हैं। इन अ गेम चेंजर मूव अपने इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल लाया है जिसमें उन्होंने जो भी सिटीजन्स हैं, यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और उनको अलाउ किया है कि वो 3 ईयर के लिए एज अ ऑफिसर या किसी और रैंक में उस एरिया में ज्वाइन कर सकते हैं अंडर द टूर ऑफ ड्यूटी और 3 ईयर शॉर्ट सर्विस स्कीम। टूर ऑफ ड्यूटी या फिर जिसको थ्री ईयर शॉर्ट सर्विस स्कीम बोलते हैं, उसके अंडर में कोई भी सिटीजन्स या यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स 3 साल के लिए एज अ ऑफिसर रैंक और उस एरिया में जो अदर रैंक्स हैं उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। What is the grant that was provided by India to the United Nations Relief and Works Agency to support the Palestinian refugees? Palestinian refugee को support करने के लिए इंडिया ने कितना grant provide किया है to the United Nations Relief and Works Agency? Grant means अनुदान। And the correct answer is $2 million। इंडिया ने $2 million USD प्रोवाइड किया है टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट करेंगी उनके प्रोग्राम के लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द ऐप नेशनल टेस्टिंग अभ्यास फॉर मॉक टेस्ट ऑफ नीट एंड JEE लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक? यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि नीट और JEE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा। इसको किसने डेवलप किया? एंड द करेक्ट आंसर इज NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास को लॉन्च किया। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डेवलप किया जिससे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं JEE मेंस या फिर नीट को, वो इस NTA परव्यू के अंडर में मॉक टेस्ट को दे सकते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स एम्बिशियस राजीव गांधी किसान न्याय योजना? कौन से स्टेट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। स्टेट में क्रॉप प्रोडक्शन को इनकरेज किया जा सके और जो भी फार्मर्स के प्रोड्यूस हैं उनको राइट प्राइस मिल सके। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर, गवर्नर इज अनसुईया उइके एंड चीफ मिनिस्टर इज भूपेश बघेल। दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वीमेन्स बिगिंस इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में रूरल वीमेन की सेफ डिलीवरी के लिए दीदी व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में
वुमेन रूरल लीवलीहुड मिशन ने दीदी व्हीकल सर्विस को स्टार्ट किया है। इससे जो भी रूरल वुमेन है उनकी सेफ़ डिलीवरी के लिए और उनको जो भी इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड किया जा सके, और ये व्हीकल सर्विस बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इसके CM शिवराज सिंह चौहान है एंड गवर्नर लालजी टंडन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ सोलर पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर सिस्टम फॉर कंसंट्रेटिंग सोलर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनके लिए सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने सोलर पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर को डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कि डिसैलिनेशन है, स्पेस हीटिंग है, स्पेस कूलिंग है, इन सब के लिए सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए एक सोलर पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर को डेवलप किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड पॉपुलर GIF डाटाबेस जिफी? एंड द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। फेसबुक ने न्यूयॉर्क बेस्ड GIF डाटाबेस जिफी को $400 मिलियन में एक्वायर कर लिया है, जिससे वो इंस्टाग्राम और जो भी फेसबुक ऐप्स हैं उनमें GIF लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर सकें। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 10% स्टेक इन गुरुग्राम बेस्ड वाइसजेन? गुरुग्राम बेस्ड वाइसजेन में कौन सी कंपनी ने 10% स्टेक को एक्वायर किया? एंड द करेक्ट आंसर इज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल हैज़ एक्वायर्ड 10% स्टेक इन गुरुग्राम बेस्ड वाइसजेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का चीफ इकोनॉमिस्ट किसको अपॉइंट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। इनका अपॉइंटमेंट 15 जून 2020 से इफेक्टिव होगा और वो IMF में एज अ सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र एंड डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक बार स्टर्न्स में एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। विच कंपनी पार्टनर विद बजाज एलायंस फॉर डिजिटल मोटर कवर? डिजिटल मोटर कवर के लिए कौन सी कंपनी ने बजाज एलायंस के साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिससे वो फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फार्मित्रा मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फार्मित्रा मोबाइल ऐप को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट नॉर्डिक काउंसिल्स इन्वायरमेंटल अवार्ड 2019। नॉर्डिक काउंसिल इन्वायरमेंटल अवार्ड 2019 को एक्सेप्ट करने से किसने रिफ्यूज कर दिया? एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द नमस्ते ओरछा फेस्टिवल? नमस्ते ओरछा फेस्टिवल को किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया? सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, keep watching, keep learning. Thank you so much.